नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। पुलिस और दिल्ली सरकार की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन फिलहाल ये नाकाफी दिखाई दे रहे हैं। महिला अपराधों को लेकर वर्ष खत्म होते होते लोगों का गुस्सा दिल्ली की सड़कों पर देखा गया। हालांकि दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस सुविधा दिए जाने के साथ उनकी सुरक्षा व सुविधा के लिए पैनिक बटन और मार्शल की तैनाती की गई। दिल्ली पुलिस में भी महिला पुलिस बल की संख्या बढ़ाई गई। दिल्ली पुलिस की तरफ से करीब 50 सुविधाओं से लैस मोबाइल ऐप तत्पर लॉन्च किया गया। दिल्ली सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी की व्यवस्था बढ़ाने के लिए 1,40,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। वहीं दिल्ली सरकार की योजना के तहत 4,300 पैनिक बटन से लैस बसों को सड़कों पर उतारा जाना है। इस वर्ष में अब तक 429 बसें सड़कों पर उतर चुकी हैं। इस पैनिक बटन के जरिए बस में सवार महिला या कोई भी व्यक्ति किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की मदद ले सकता है। दिल्ली सरकार की तरफ से महिलाओं को सुरक्षित सफर देने के उद्देश्य से बसों में एक बार फिर से मार्शल की तैनाती की गई है। इस समय दिल्ली में संचालित डीटीसी और क्लस्टर बसों में 13,000 मार्शल तैनात हैं। इनके वेतन का भुगतान भी दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है। वहीं बसों में लगे डिस्प्ले बोर्ड पर लगातार दिखाया जाता है कि इस बस में मार्शल तैनात है। दिल्ली सरकार की इस योजना के बाद बसों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी की घटनाएँ कम हो चुकी हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार की तरफ से महिलाओं को बसों में फ्री सफ़र का तोहफा दिया गया है। महिलाओं को मेट्रो में भी बिना शुल्क दिए सफ़र देने की सुविधा का प्रयास किया गया है, दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया। हालांकि ये प्रयास अभी तक लागू नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस में महिला पुलिस बल बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2015 को गैर राजपात्रिक पदों को सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी थी। इसके तहत कांस्टेबल और उप निरीक्षक तक के पदों को भी भर्ती के लिए दिया जाना था। इसके बाद 2,500 महिलाएं पुलिस बल शामिल किए गए। दिल्ली पुलिस में महिला पुलिस बल बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2015 को गैर पदों को सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत कांस्टेबल से उप निरीक्षक तक के पदों पर भर्ती की जानी थी। इसके बाद 2,500 महिलाएं पुलिस बल में शामिल की गई और 450 महिला पुलिसकर्मी को 2019 तक बुनियादी परीक्षण दिया गया। दिल्ली पुलिस में महिला पुलिस बल बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2015 को गैर पदों को सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत कांस्टेबल से उप निरीक्षक तक के पदों पर भर्ती की जानी थी। इसके बाद 2,500 महिलाएं पुलिस बल में शामिल की गई और 450 महिला पुलिसकर्मी को जून 2019 तक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 30 जून 2019 को दिल्ली पुलिस में कुल 80,115 पुलिसकर्मी थे, इसमें से 9,300 महिलाएं थी। इसके अलावा स्पेशल पुलिस यूनिट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन का गठन 2002 में दिल्ली पुलिस ने किया था। 2019 में 1,000 से अधिक कार्यक्रमों के तहत करीब 3.5 लाख छात्राएं, युवती व महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया। वहीं अगर हम बात करें, दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2019 में डिजिटल पहल की है। पुलिस की सभी वेबसाइटों और मोबाइल एप्लीकेशन को तत्पर ऐप में शामिल किया गया है। 50 से अधिक सेवाओं को एक टच के जरिए प्रयोग किया जा सकता है। वहीं 2019 की एक और खास बात रही कि उत्तर पूर्वी जिले में पुलिस ने 16 महिला सिपाहियों की एक खास पेट्रोलिंग टीम बनाई है। ये सिपाही गुलाबी रंग की 8 स्कूटी पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से 7 बजे तक पेट्रोलिंग करती हैं। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर महिला पुलिस की इस टीम को महिला सुरक्षा से जुड़े अन्य मामलों में भी सक्रिय रखा जाता है। वहीं एक और चीज देखने को मिली 2019 में। हैदराबाद में दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति जय हिंद ने 3 दिसंबर से भूख हड़ताल शुरू की थी। 13 दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहने के कारण उनकी तबीयत काफी खराब हो गई है। उन्हें जबरन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें 17 दिसंबर को छुट्टी दे दी गई थी। बता दें कि स्वाति जय हिंद ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर निर्भया के दोषियों को फांसी देने की अपील की थी। कुछ ऐसा बीता दिल्ली के लिए 2019। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।